हेलो गाइस, हम आ चुके हैं गोल्डन टेंपल के पास। अमृतसर स्वर्ण मंदिर है जो सिखों का पूरे विश्व विख्यात गुरुद्वारा है। पूरे विश्व में विख्यात है, दूर दूर से टूरिस्ट यहाँ देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, बख्शिश लेने के लिए आते हैं, मनोकामनाएं करने के लिए आते हैं। दोस्तों, हम बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप सोच सकते हो कितनी भीड़ यहाँ पे है, हो रही है। तो अभी ऐसे हम अंदर तो उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि शूज को बाहर जमा करवाना पड़ता है। वो शूज के लिए टोकन नंबर दे देते हैं, ताकि दोबारा आके टोकन नंबर दे करके अपने शूज ले सकते हो। ऐसा ही अपने सामान के लिए इन्होंने सुविधा की हुई है। सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ। तो यहाँ पे रही बात प्रसाद यानी कि लंगर की, खाने पीने की, उसके लिए तो यहाँ कोई चिंता नहीं है। तो जो बाहर ही पानी पिलाने के लिए सेवा लगाई हुई है। ये आप ये देख सकते हैं, बिल्डिंग दिखाई दे रही है। हम अंदर का आपको अंदर का जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं शूज जमा करवाने के लिए, ताकि हम आपके दर्शन करवाने के लिए अंदर जा सके। आप देख सकते हैं जूता है, कहीं पर जोड़ अगर है। हम अभी शूज निकाल देते हैं, ताकि हम अंदर जा सकें। रवीना जी जूते चले गए हैं, बड़े गर्मी का भी टाइम, गर्मी भी हो रही है ना। हाँ हाँ, चारों तरफ ले रवीना जी शूज जमा करवा के टोकन नंबर मिल गया है। अब हम गुरुद्वारा जी के हरिमंदर साहब जी के अंदर जा रहे हैं। और संगत यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रही है, जा रही है। हम भी अभी जा रहे हैं। अंदर जाने से पहले हमें एक बार हाथों को अच्छी तरह से वॉश करना होता है, और जब अंदर एंट्री करते हैं तो बाहर नीचे मतलब पानी की व्यवस्था की हुई है, ताकि पांव भी धुल के अंदर ही जाएं, क्योंकि हर जगह पता नहीं किस किस जगह से आता है, किस किस कोने से आता है, तो इसके लिए सुविधाएं की हुई होती हैं। अभी आप देख सकते हो ये यहाँ पे हैंड वॉश हो रहे हैं, तब तक हम भी हैंड वॉश कर लेते हैं। आप देख सकते हो रवीना जी भी हैंड वॉश कर रही है। तो अब मैं भी हैंड वॉश कर लेता हूँ। अभी मैं भी हैंड वॉश कर रहा हूँ। कर लिए हैं, अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। आप ये देख सकते हैं पानी की व्यवस्था की हुई है। रवीना जी चल रही है अंदर। Thank you.
हमें सर पर कोई कपड़ा भी बांधना होता है, विनय जी ने चुन्नी ली हुई है तो मैं कपड़ा बांध लेता हूँ सर के ऊपर। नजदीक लेके चलते हैं हम, कौन बंद कर सब नीचे उतर जाते हैं। दोस्तों देख सकते हो हम आ चुके हैं बिल्कुल सन मंदिर इनके गोल्डन टेंपल के बिल्कुल नजदीक। गुरु नदी मत्था टेक रही है, ये देख सकते हो ये गोल्डन टेंपल आपको दिखा दे रहा है। देखो देख सकते हो कितनी बहुत सारी संगत पब्लिक आई हुई है, इधर से बहुत सारे पब्लिक आ रही है दर्शन करने के लिए, दूर दूर से आई हुई है। ये सरोवर है, ये सरोवर है और इस सरोवर में आपको शायद मछलियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। इसी गेट से मंदिर आए थे वो, उधर जो ये अलग से टाइप का दिख रहा है ये लंगर हॉल है जहाँ लोग लंगर करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं बाघा बॉर्डर की तरफ, वहाँ पे भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर हम दिखाएंगे जहाँ से एंट्री होती है भारत में पाकिस्तान वालों के, पाकिस्तान से भारत से भारत के नागरिक भी पाकिस्तान के अंदर एंट्री होती है, वहाँ भी आपको दिखाने जाएंगे। वहाँ पे परेड होगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारे उसकी वीडियो को आप देख पाएँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।